चाल है, कैसे हैं और क्या हो रहा है। मेरा नाम है रंजवानी। आज का क्विज और टेडेक्स वीडियोस आप लोगों को ग्रुप में दे दिया गया है, तो टेडेक्स आपने क्विज आंसर कर दिया होगा। होप कि इसमें तीन सवाल आप पूछे गए कि जो टेडेक्स स्पीकर है आपने जो सुना है कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि AI के कौन से जो इंडिया की मार्केट है 2027 में वो कितनी बढ़ जाएगी, लाइक 10 बिलियन, 20 बिलियन, 17 बिलियन या फिर 30 बिलियन तक मार्केट की जो वैल्यू है AI में बढ़ जाएगी। ठीक है, उसका आंसर क्या है? 17 बिलियन। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, और जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन जो आपका AI है वो किस बेसिस पे आपको अलाउ करेगा बहुत सारी चीज़ों का पर्सनलाइज। ठीक है, क्योंकि AI जो है कहीं ना कहीं पर्सनलाइज एजुकेशन करेगा। आप जिस जो पसंद करते हो वही आपको एल्गोरिथम उसका क्या है, फेसबुक पे भी चल रहा होता है, जो आप पसंद करते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो दिखा रहा है। इसी तरह AI के अलावा बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है। ठीक है, तो पर्सनलाइज एजुकेशन, पर्सनलाइज सिस्टम, दोनों का आंसर पर्सनलाइज है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो टेडेक्स वीडियो। बाकी आप मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज इन टेडेक्स वीडियो। टेडेक्स वीडियो का टॉपिक है इज ऑल अबाउट रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग लॉन्ग लाइफ लर्निंग, कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखते जाएं। ठीक है, रिदा अग्रवाल जो एक स्टूडेंट है, रिसर्चर है और प्लस वो अब मज़ीद डेटा साइंटिस्ट की तरफ काम कर रही है और बहुत सारे सिस्टम बना रही है इंडिया में, और इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। पाकिस्तान में भी इस तरह AI का बहुत रुझान है, इस तरह अमेरिका, कैनेडा, USA, हर जगह AI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो रिदा ने हाईलाइट किया है बहुत सारे पॉइंट्स को कि किस तरह AI आपकी पर्सनलाइज लर्निंग में आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक तो होता है हम एजुकेशन हासिल करें और सीख लें, जो सिखाया हमें सीख लें। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे पास चला आ रहा था, लेकिन अब क्या है, जो आप सीखना चाहते हो, जो आप में इंटरेस्ट है, तो AI आपको वो दिखाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे हम फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अब मुझे हर रोज़ मैं टेडेक्स वीडियो देखता हूँ, तो मुझे हर रोज़ क्या करता है टेडेक्स, नेक्स्ट टेडेक्स वीडियोज, आज की मुझे ये वाली टेडेक्स वीडियो AI ने सजेस्ट कर दी। दैट इज़ अमेजिंग, ये रीसेंट वाली, अपडेट वाली, AI वाली वो भी। ठीक है, तो उसने मुझे टॉप पे मेरे यूट्यूब पे खोलने से पहले ही मेरी पहली वीडियो दिख गई, वो टेडेक्स ही दिख गई, क्योंकि मैं डेली टेडेक्स देख रहा हूँ ना, तो इट्स लाइक आपकी जो लर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं लिख के पसंद करना करते हैं, कुछ लोग देख के पसंद करना करते हैं, तो विजुलाइज लर्नर्स है ना, ऐसा है। कुछ लोग कार्टून देख के ज़्यादा मज़ा आता है, किसी को लिख के मज़ा आता है, किसी को देख के मज़ा आता है मूवी देख के, तो बहुत सारे लर्निंग के टाइप्स है। तो जो आपकी टाइप की लर्निंग होगी तो AI उस तरह आपको लर्निंग के मौके देगा। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अब AI ChatGPT से आप पूछो कि भाई आप क्या करते हो, कैसे करते हो, हम इंटरव्यूज़ करते हैं बहुत सारे कॉलर से, तो वही पर्सनलाइज लर्निंग में अब कहीं ना कहीं आप उसको, आपका जो AI है वो टीचर होगा। कि आपने पूछा कि मुझे अपनी मैथ्स की तैयारी करनी है, अपनी साइंस की तैयारी करनी है, अपनी इंग्लिश की तैयारी करनी है, और कहीं ना कहीं आपने सवाल पूछा मुझे लंदन जाना घूमने, तो वो घुमा फिरा के आपको वापस ले जाएगा, फोकस ऑन योर वर्क लिखेगा, फोकस ऑन योर वर्क, और आप अभी पढ़ाई कर लो, बाद में हम फ़ोन करेंगे। तो AI भी आपका पर्सनल मेंटोर होगा, टीचर होगा, तो AI आपको रेगुलराइज करेगा आपकी पढ़ाई में। तो इस तरह की बहुत सारे फीचर्स AI इंटीग्रेट कर दी गई है टीचिंग में। तो हम अपने मर्ज़ी से ट्रांसफॉर्म होंगे, ना कि रिफॉर्म होंगे कि जो पढ़ा रहे दुनिया में, बल्कि हमें जो पढ़ना है और हम एक नए लर्निंग के हिसाब से आगे बढ़ सके। बल्कि AI क्या करता है, अलाउ करता है आपको, ChatGPT में क्या होता है, कॉल एनी में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन को कमांड है बहुत पावरफुल है। ऐसा है नहीं है, अगर आप सवाल नहीं कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप में क्यूरियोसिटी कम है या ज़्यादा है, या आपको पता है। अगर आप क्यूरियोसिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, टीचर भी आंसर नहीं कर पाए, तो आप ChatGPT पूछे तो ChatGPT आपको इतना सारा आंसर कर रहा होगा। ठीक है, इसमें बात की गई पर्सनलाइज लर्निंग की, ऑटोमेशन टास्क की, आपने टास्क दिया, टास्क को आपको आंसर कर देगा। आपने ChatGPT को बोला कि मुझे आज की जो टेडेक्स वीडियो है वो देखिए, उसके क्विज बना दो, तो फ़ौरन से क्विज बना दिए, फ़ौरन से समरी बना दी। तो आप ज़रूरी टेडेक्स को सुनो कभी, आप टेडेक्स वीडियोस को कैप्शन निकाल के उसका डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसका आप इसके कैप्शन निकाल के डायरेक्ट रीड कर सकते हो, क्विजेस बना सकते हो अपने लिए, उसके साथ उसको ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो, तो यही सारी चीज़ें आपको बढ़ेगी। इसी तरह टीचर्स जो है, टीचर्स के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के भी एक अच्छे टीचर हो या नहीं हो,
अब अपने आप को फैसिलेट करते हो नहीं करते हो, तो आप अपने आप के लिए भी डायरेक्ट AI से कनेक्ट होके मज़ीद चीज़ आगे बढ़ा सकते हो, और AI आपके फ्यूचर को डायनामिक करेगा। इस तरह आप सोचते कि मैं गेम बनाऊँ, आपने पूछा, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट डाला और प्रॉम्प्ट डाल के आपने पूछा कि मुझे गेम कैसे बनाऊँ, तो ChatGPT आपके गेमिंग बनाने के लिए भी प्रॉम्प्ट और हर चीज़ आपको नॉलेज देगा, लेकिन आपको उससे क्या करना है, सवाल करना आना चाहिए कि सवाल आप करो तो वो आपका आंसर कर दे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट AI के वर्ल्ड में हम अपना जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, उसको रोके नहीं बल्कि आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। तो टेडेक्स वीडियो में हमें AI का फ्यूचर क्वेश्चन पे बेस करता है। थैंक यू।